हजरत सैयद इब्राहिम दाऊद बंदगी अकरमानी। बरे सगीर के जुल्मत कदह में इस्लाम की शमाए फरोजा करने वाले ला तादाद औलिया कराम में एक मुमताज रूहानी शख्सियत का नाम हजरत सैयद इब्राहिम दाऊद बंदगी अकरमानी का भी है। आपका सिलसिला नस्ब 27 वास्तों से हजरत सैयदना इमाम मूसा अली रजात रहमतुल्लाह अलैह तक पहुंचता है। आपके आबाओ अजदाद अरब से तरके वतन करके ईरान आए और किरमान शहर में आबाद हुए। कुछ अरसा बाद किरमान से मुल्तान के करीब एक कस्बे सैदपुर में सकूनत इख्तियार की, जहां 27 रमजान मुबारक 919 हिजरी को आपकी विलादत बासादत हुई। इसके बाद चन्नीवाल, मौजूदा चूनिया और फिर मुर्शद के हुक्म पर शेरगढ़ में मुकीम हुए और शेरगढ़ में पूरी जिंदगी बगैर छत के गुजार। 1574 में वफात पाई। हजरत सैयद इब्राहिम दाऊद बंदगी अकरमानी का पुरशकूह मजार आपके भतीजे खलीफा और रूहानी वारिस हजरत शाह अबुल मुआली करमानी ने अपनी निगरानी में तामीर करवाया। अंदरूनी हिस्से में कब्र की बाई जानिब एक बुलंद चबूतरे पर तुर्की से लाया गया नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के कदम मुबारक का अक्स भी मौजूद है। इमारत की तामीर में ईरानी तर्ज तामीर को मलहूज खातिर रखा गया। हश्त पहलू मज़ार की इमारत कुशादा, खूबसूरत और फन्नो तामीर की एक शानदार मिसाल है।